एक शख्स की बहन फोत हो गई, जब उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली तो कब्र में गिर गई। चुनाचे वो अपनी बहन की कब्र पर आया और उसको खोदा ताकि थैली निकाल ले। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। चुनाचे उसने जू तो कब्र पर मिट्टी डाली और गमगीन रोता हुआ माँ के पास आया और पूछा, प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के आमाल कैसे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? अर्ज की, मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे। ये सुनकर माँ भी रोने लगी और कहा, अफसोस अफसोस, सब करो अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती क्या कर दी? नमाज कजा करके पढ़ती, हम लोग सुस्तियां करते, ऐसे एहसास पैदा नहीं होते। अगर मैं इसी तरह नमाज कजा करता हुआ गुनाह करता करता मैं मर गया, मेरा बनेगा क्या? अगर मुझे कब्र में डाल दिया गया और कब्र की दोनों दीवारें मिल गई और मेरी पसलियां टूट कर एक दूसरे बेवस हो गई, मेरा बनेगा क्या? किसको पुकारूंगा? कौन सुनेगा? अल्लाह नाराज हो गए, उसके अभी रूठ गए, मर जाएंगे। ये मत सोचिए कि कल करूंगा परसों करूंगा, अभी टाइम बहुत। अरे किसके पास टाइम है? टाइम किसी के पास भी नहीं है। मौत कभी भी आ जाएगी, मौत उम्र देकर नहीं आती, मौत वक्त देकर, वक्त आया मौत आ गया। अरे मौत से पहले मान जाए हम लोग, आंखें बंद है, खोलो अपनी आंखें, इससे पहले कि मौत हमारी आंखें बंद कर दे। आंख खोल लीजिए।